हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कुछ खूबसूरत से स्ट्रीट प्लांट। जी हां, स्ट्रीट प्लांट इसे इसलिए कहते हैं कि साफ शब्दों में हम गली मोहल्ले सड़कों पे कहीं भी घूमते हैं तो हमें कुछ पौधे ऐसे ही दिख जाते हैं रास्तों में, और उसमें फूल भी बड़े अच्छे लगते हैं। कुछ हमारे जानने वाले भी फूल होते हैं जिसको हमने पहले से भी देखा हुआ है, और हमारी भी सपना यही होती है कि इस सारे फूल पौधों को हम अपने गार्डन में, अपने घर में जगह दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं बहुत सारे सुंदर सुंदर से स्ट्रीट प्लांट जो खूबसूरत है, पूरे साल चलने वाले हैं, साथ ही साथ आप इनको अपने गार्डन में भी जगह दे सकते हैं। और ये इतने हार्डी हैं, स्ट्रीट प्लांट कहने का मतलब ये है कि इतने हार्डी होते हैं कि एक बार अगर हम लगा दें तो ये फ्लावर प्लांट हमेशा हमारे साथ रहते हैं। क्योंकि कई बार हम गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं, न्यू गार्डनर हैं, बिगनर हैं, गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं भी है, तब भी ये सारे फूल पौधे हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और घर की खूबसूरती, गार्डन की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ सुंदर सुंदर खुशबूदार फूलों को एंजॉय भी कर सकते हैं और बहुत ज्यादा केयर भी नहीं करनी होती है। तो इस तरीके से दोस्तों, आपने स्ट्रीट फूड का नाम भी सुना होगा और स्ट्रीट फूड के शौकीन भी होंगे, लेकिन आज हम आपको स्ट्रीट फ्लावर प्लांट भी दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, एक लाइक जरूर दीजिए, और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोज के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर वन पे ये जैस्मिन की वेराइटी आती है, और ये स्टार की तरह दिख रहे हैं तो स्टार जैस्मिन भी कह सकते हैं, मोगरा भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये खुशबूदार सफ़ेद रंगों के होते हैं, और जितने ही सुंदर होते हैं उतना ही ये हार्डी भी होते हैं और बहुत कम केयर में ये चले होते हैं। ये दुकान के सामने लगाया हुआ है, तेज़ धूप में भी ये सर्वाइव कर रहा है इजी वे में। ये मोगरा के फूल है जो सफ़ेद रंगों में खुशबूदार हैं, और इसकी इत्र बनाई जाती है, तो कई सारी विशेषता हैं लेकिन उतने ही हार्डी भी हैं। दूसरे फूल की बात करें तो ये गुड़हल है, बहुत ही हार्डी होते हैं और कम केयर में चले रहते हैं। इनको जितना खुले और तेज़ धूप में लगाएंगे उतनी अच्छी ये फ्लावरिंग करते हैं, बहुत सारे रंगों में मिल जाते हैं। 365 डेज इस खूबसूरत से हिबिस्कस की ब्लूमिंग होती है, और इसमें वेराइटी भी मिलती है। इसकी ड्वार्फ वेराइटी पॉट में भी लगाया जाता है, और नर्सरी में भी रंग बिरंग के कलर में और वेराइटी में ये प्लांट और फूल हमें मिल जाते हैं, जो तेज़ धूप और बहुत ज़्यादा गर्मी में, बहुत ज़्यादा सर्दी में भी ये चले होते हैं, और ये सड़कों में मिल जाते हैं और इसकी कटिंग वगैरह भी लगाई जा सकती है। तो ये भी बड़े ही प्यारे और कई सारे रंगों में अवेलेबल है। 45 प्लस टेम्परेचर में भी मुझे ये दुकान के बाहर तेज धूप में ये खूबसूरत से गुलाब, गुड़हल, मोगरा सरवाइव करते हुए दिखे, और बहुत तेज धूप है फिर भी ये ऐसे ही बने हुए हैं और बहुत अच्छी ब्लूमिंग भी कर रहे हैं। ये बड़े ही सुंदर से स्पाइडर लिली के प्लांट है। वैसे तो ये बल्ब से ग्रो किया जाता है, लेकिन अगर एक बार ये बल्ब कहीं भी गिर भी जाए तो ये बहुत सारे पौधे तैयार कर देते हैं, और इससे कई बार हम देख सकते हैं सड़कों के किनारे खुद ही उगे होते हैं और बहुत सारे नए नए पौधे भी बनाते हैं। यहाँ पर है चंपा के फूल, जिसे हम प्लूमेरिया भी कहते हैं, और ये खुशबूदार होते हैं। इसमें भी कई सारे कलर और वैरायटी मिल जाती है और बहुत ही हार्डी होते हैं। आप देख सकते हैं किसी भी तरीके से ये हाईवे पे देखे जा सकते हैं। तो ये भी 365 डेज यानी पूरे साल चलने वाले हार्डी प्लांट होते हैं, जिसमें फ्लावर भी आते हैं और बहुत ही प्यारे भी लगते हैं। बहुत कम पानी, देखभाल की ज़रूरत होती है और ढेर सारे फूल भी देते हैं पूरे साल। खुशबूदार भी हैं और खूबसूरत भी हैं, और स्ट्रीट प्लांट भी होते हैं ये। बहुत कम वाटरिंग और देखभाल की ज़रूरत होती है, इस वजह से इसे तेज़ धूप वाले पार्क में भी लगाया जाता है। और दूसरा ये खूबसूरत सा कनेर है, कनेर भी देखने में फ्लावर जितने अच्छे हैं उतने ही हार्डी होते हैं। इसे भी आप हाईवे पे देखे जा सकते हैं, कई बार खुद ही उग जाते हैं, इनकी कटिंग वगैरह भी लगाई जाती है, साथ ही साथ इसमें भी कई सारे रंग और वेराइटी मिल जाते हैं। और ये प्लांट भी एक बार लगाने के बाद कभी ख़त्म नहीं होती, रोड पे, गलियों में, यहाँ वहाँ हमें ये प्लांट देखने को मिल जाता है। और इसकी ये दूसरी वेराइटी है जो आमतौर पर पीले रंग में ही पाई जाती है और काफ़ी कॉमन होता है कनेर की वेराइटी में, तो ये भी सड़कों पर, हाईवे पर देखा जा सकता है। कनेर भी मेरा ऑल टाइम फेवरेट होता है, क्योंकि ये हार्डी है और इसमें सिंगल और डबल पेटल में फ्लावर भी आते हैं और बहुत सारे फूल देखे जा सकते हैं। हर दिन इसमें ब्लूमिंग होती है और बहुत कम केयर में चले होते हैं, और इसमें भी कई सारी वैरायटी हमें देखने को मिल जाती है। ये चांदनी है, और चांदनी में भी ये वेरीगेटेड है, तो चांदनी के फूल भी सफ़ेद रंगों में होते हैं और इनकी झाड़ियाँ बनती है। ये भी बहुत ही हार्डी होते हैं, और कई बार हमें ये मोहल्ले में, सड़कों पर, गलियों में, पार्कों
इलाकों में देखे जा सकते हैं इसके फूल, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, ढेर सारे फूल निकलते हैं, इसकी कटिंग भी लगती है, नर्सरी में भी इसके प्लांट सस्ते मिल जाते हैं, और इसमें भी चांदनी में भी सिंगल कलर में आते हैं, सिंगल ग्रीन कलर की पत्तियों वाले भी आते हैं, और ये वेरीगेटेड है, तो इस तरीके से ये फूल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं और बहुत ही हार्डी होते हैं, एवर ग्रीन होते हैं। दोस्तों ये खूबसूरत से रंग बिरंगे जो फूल देख रहे हैं ये है लैंटाना के फूल, और ये सोसाइटी के बाहर के रास्ते में लगाए गए हैं, इनकी हेज बनाई गई है, लेकिन ये कई बार जंगलों में, झाड़ियों में और सड़कों के किनारे खुद ही उगे हुए दिख जाते हैं, और इसमें भी बहुत ही सुंदर फूल आते हैं, बहुत ही हार्डी होते हैं, और ये जंगली फूल के रूप में माना जाता है, लेकिन ये स्ट्रीट फ्लावर होते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। कई सारे लोग तो इसे खूबसूरती के लिए और शौक़ के तौर पर भी अपने गार्डन में जगह देते हैं। इनकी झाड़ी नुमा होती है और रंग बिरंग के फूल होते हैं। देखिए फूल तो बड़े ही सुंदर हैं और थोड़ा सा ये पॉइजनस भी होते हैं, बट ये बहुत आसानी से उग जाते हैं और बहुत ही कम केयर में, तेज़ धूप में, कम पानी के साथ भी डटे रहते हैं, तो ये स्ट्रीट प्लांट में आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरत से फूल हैं अलमांडा के, और इसकी ये बेलें हैं, तो अलमांडा में भी बेलों वाली फ्लावर होती है और वेराइटी होती है, जो कई बार अपने आप ही उग जाते हैं, रास्ते में देखे जा सकते हैं, और बहुत ही हार्डी होते हैं, बहुत कम केयर के साथ चले होते हैं। तो ये भी मुझे मिला पार्क के पास लगाया हुआ, और ये स्ट्रीट प्लांट के रूप में ही जाना जाता है। बहुत ही हार्डी है, डिमांडिंग नहीं है, और बहुत ही कम वाटर, फर्टिलाइज़र की डिमांड करता है, लेकिन ये तेज़ धूप को भी सर्वाइव कर लेता है और नेचुरल तरीके से ये ग्रो होता है। दोस्तों ये मिराबिल जलपा है, ये भी खुशबूदार होता है और इसे 4 o'clock भी कहा जाता है। इसकी खासियत यह है कि 4 बजे इसमें ब्लूमिंग होती है, जैसे ही सन सेट होता है इसकी ब्लूमिंग शुरू हो जाती है, और रंग बिरंग के लाल पीले रंग में इसके फूल खिलते हैं और खुशबूदार भी होते हैं, और पूरे रात खिले होते हैं, और नेक्स्ट डे जैसे ही सनराइज होता है और तेज़ धूप आती है इसके फ्लावर पेटल सिकुड़ जाते हैं, तो ये इस तरीके से शाम को 4 बजे ही खिलते हैं। इसे 4 o'clock भी कहा जाता है, मिराबिल जलपा भी होता है, और ये बहुत ही हार्डी है, झाड़ी नुमा होते हैं ये। हार्डी और सदाबहार प्लांट की बात हो और ये बोगनविलिया ना आए तो फिर क्या कहने, तो ये है बोगनविलिया, जिसे कागज के फूल भी कहते हैं, और ये भी आमतौर पर हाईवे पे, सड़कों पर, गलियों में देखे जा सकते हैं। वैसे तो इसके प्लांट में कांटे लगे होते हैं, लेकिन इसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं, देखिए कागज के फूल की तरह लगते हैं, और गुच्छों में फूल आते हैं, कई दिनों तक खिले भी रहते हैं। इसमें भी वेरीगेटेड वेराइटी आती है, मीन्स 2 कलर की पत्तियां भी होती है, 2 कलर के फूल भी मिल जाते हैं, और कई सारे और भी रंग इसके मिल जाते हैं, जैसे लाल, पीले, गुलाबी, बैंगनी, पीच, तो सारे कलर में अवेलेबल होता है। पार्क में, होटलों के पास और सड़कों पर, हाईवे पर इसे डेकोरेट किया जाता है, छायादार भी हो जाते हैं और खूबसूरती भी बढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा ना वाटरिंग चाहिए, ना बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए, बस इनको खुली जगह पर रखें, तेज़ धूप में भी रखें, ये सर्वाइव करते हैं, और आप इसकी कटिंग प्रूनिंग करके इसको, इसके साइज़ को मेनटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लाइंबर होते हैं, बेले होती है, तो इसे हम अपने घरों पर गेट के पास लगाते हैं, एग्जिट और एंट्रेंस पे। दोस्तों यहाँ पर है विंका के फूल, जिसे सदाबहार भी कहा जाता है, और ये सच में सदाबहार होते हैं, पूरे साल सर्दी, गर्मी, बसंत, पतझड़ में ये खिलते हैं, और इसमें भी सफ़ेद और बैंगनी रंग के फूल आते हैं। आजकल तो इनकी हाइब्रिड वैरायटी भी आ रही है, जो छोटे छोटे पॉट में और पूरे साल खिलते हैं, समर में तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, और कई सारे रंग भी अवेलेबल होते हैं, ढेर सारे फूल खिलते हैं, तो ये पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आयुर्वेदिक फ़ायदे भी हैं, और ये भी आपको सड़कों पर, गली मोहल्ले में देखे जाते हैं। गुलदाउदी भी इतनी आसानी से ग्रो हो जाते हैं कटिंग से, बीज से, कि इसे भी स्ट्रीट प्लांट के रूप में जाना जा सकता है। ढेर सारे फ्लावर आते हैं, एक बार लगाइए इसकी कटिंग लग जाएगी, इसके बीज लग जाएंगे, और ढेरों न्यू पौधे तैयार हो जाते हैं, और पूरे साल चलते हैं आजकल के गुलदाउदी, और कई सारे कलर मिल जाते हैं, तो ये भी स्ट्रीट प्लांट के रूप में जाना जाता है, जिसके फूल बहुत ही सुंदर और बेहतरीन होते हैं। गुलाब जितने सुंदर होते हैं उतने ही हार्डी होते हैं, और बिगनर्स के लिए भी सुटेबल होते हैं। एक बार गार्डन में ऐड कीजिए, पूरे साल ये चले रहेंगे, पॉट में लगाइए या इसे क्यारी में लगाइए। इसमें भी ढेर सारे कलर मिल जाते हैं, और ये भी हार्डी प्लांट होने की वजह से स्ट्रीट प्लांट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कई बार हम इसे सड़कों पर, गलियों में देख सकते हैं, ऐसे ही ये झाड़ी नुमा खिले होते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। कई बार तो ये खुद ही इसकी कटिंग फेंक दीजिए, और कहीं मिट्टी है और वहाँ पर ये दोबारा से तैयार हो जाते हैं और फ्लावरिंग
भी करना शुरू होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। बिगनर के लिए तो सूटेबल है ही, न्यू गार्डनर भी इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं और कांटों में भी फूल होते हैं और उतने ही खूबसूरत भी होते हैं। तो ये भी आप स्ट्रीट प्लांट के रूप में जानते हैं और कई सारे रंगों में मिल जाते हैं, खुशबूदार भी होते हैं। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये खूबसूरत से ऑक्सैलिस लैटिफोलिया है जो आमतौर पर हमें दिख जाते हैं रोड पर इसी तरीके से उपजे हुए, और कई बार तो हम इसे वीड्स भी समझ के हटा देते हैं, अनवांटेड ग्रास, बट ये भी एक फ्लावर होता है और स्ट्रीट फ्लावर होता है और बहुत ही प्यारे लगते हैं ये। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ और भी नई नई गार्डनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग।